आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन सा स्किन व्हाइटनिंग फॉर्मूला जो कि आपके चेहरे की रंगत को तो निखारेगा, साथ ही चेहरे पर पड़ी हुई डेड सेल्स और टैनिंग को भी रिमूव करेगा, स्किन पर पड़ी हुए किल मुहासों के जो दाग धब्बे हैं उन्हें भी रिड्यूस करेगा, चेहरे के डलनेस को दूर करेगा, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग बनाएगा। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन है आपका या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को फ्रेंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। गाइस जो सारी चीज़ें फ्री हैं सो फटाफट से ये सारी चीज़ें आप कर दीजिए। सो यहाँ पर मैंने इस पैक को बनाने के लिए लिया है पोटैटो यानी कि आलू, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन बी होता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारी चेहरे की झुर्रियों को मिटाने में, हमारी त्वचा को लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बनाए रखने में मदद करती है। तो एक मीडियम साइज़ का आलू आपको ले लेना है, इसको छील लेना है। तो मैंने भी इसको छील लिया, उसके बाद मैं इसको जिंजर ग्रेटर की तरफ से ग्रेट कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको पीस कर भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ग्रेट करने के बाद हम इसको स्क्वीज करके इसका सारा जूस निकाल लेंगे। तो आलू जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, स्किन की डलनेस को दूर करता है, साथ ही सन टैन को भी रिमूव करने में पोटैटो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, मैं अपने चैनल पर स्पेशली हेयर ग्रोथ और हेयर केयर की वीडियोस लेकर आती हूँ, तो मैंने अपने चैनल पर पोटैटो हेयर ग्रोथ मास्क भी शेयर किया है, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, हेयर केयर से रिलेटेड आप अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मैंने यहाँ पर आलू को स्क्वीज कर लिया है, उसके बाद आधा टमाटर लिया है मैंने जो कि विटामिन सी से रिच होता है। विटामिन सी हमारे स्किन पर पड़े हुए सारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करके, दाग धब्बों को मिटाकर हमारी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाता है, रेडिएंट बनाता है, पोर्स को भी रिड्यूस करता है और हमारे चेहरे की झुर्रियों को भी दूर करता है, स्किन का जो कलर होता है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया, उसके बाद मैं इसको भी छानकर इसका सारा जूस निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच आपको लेना है टोमेटो जूस और 2 से 3 चम्मच आपको लेना है यहाँ पर पोटैटो जूस। सो गाइज, हमने इसको स्क्वीज कर लिया है, उसके बाद गाइज हम यहाँ पर डाल रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको लगता है पोटैटो जूस ज़्यादा है तो आप उसको निकाल कर रख सकते हो, जितना ज़रूरत हो उतना क्वांटिटी में आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर जो कि हमारी स्किन पर पड़े हुए सारे डेड सेल्स को रिमूव करता है, टैनिंग को रिमूव करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है कस्तूरी हल्दी, किचन का हल्दी आप यहाँ पर ले सकते हो, बहुत थोड़ा सा किचन का हल्दी लेना है, और कस्तूरी हल्दी मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन अभी भी ये जो पैक है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और डाल दिया है। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर अर्थ। मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारी स्किन को बहुत टाइट करती है, हमारे पोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और हमारी स्किन की जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको मिटाने में और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सिर्फ 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी लिया है। पैक की जो कंसिस्टेंसी है गाइज बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी का पैक होता है उसे अगर आप थिक कर देते हो तो हमारी स्किन के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है। तो हमेशा मुल्तानी मिट्टी का जो पैक है उसे आप थोड़ा पतला बनाएं। तो आप इस पैक को सिर्फ मुल्तानी मिट्टी के साथ भी बना सकते हो या सिर्फ बेसन के साथ भी बना सकते हो या इस तरह से दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके भी इस पैक को बना सकते हो। सो गाइस, ये पैक हमारा बन चुका है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा इसमें कलर आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इस पैक को आपको कैसे अप्लाई करना है इसे जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, पैक हमारा बनकर रेडी हो गया है, इस तरह से इस पैक को थोड़ा पतला ही कंसिस्टेंसी में बनाना है, उसके बाद इसको क्लीन फेस पर अच्छे से लगाना है, फेस पर भी लगाना है और नेक पर भी लगाना है, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें, तो आपकी स्किन को ये लाइटन करने में हेल्प करेगा। वाइटन का मतलब ये नहीं है गाइज कि आप बिल्कुल काले से बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, वाइटन का मतलब ये है कि जो भी काला धब्बा आपके चेहरे पर पड़ गया है, दाग धब्बे पड़ गए हैं, वह लाइटन हो जाएंगे और आपकी स्किन का जो कलर है वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा और आपकी स्किन पर जो भी टैनिंग पड़ गई है उसे भी ये रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत क्लीन और ग्लोइंग बनाएगा। तो इस तरह से इस पैक को आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पर और अपने नेक पर लगा लेना है। अगर आपके हाथों पैरों पर टैनिंग है तो वहाँ पर भी आप इस पैक को लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये पैक जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, इस तरह से आपके फेस पर इसको लगा लेना, आप देख सकते हो मेरी स्किन बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई इस पैक से। तो इस तरह से आपको इस पैक को लगाना है, इसे लगाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फेस पर रखना है,
सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी को अगर आप ज़्यादा देर के लिए अपने फेस पर रखते हैं तो वो आपके जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है उसे ऑब्जर्व करके आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, या इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए रखना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इस पैक को अपने फेस पर रखें। तो इसे इस तरह से लगा लेना है, 10 मिनट के लिए रखना है, 10 मिनट में ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपको ताजे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने से आपकी स्किन पर जो भी डेड सेल्स हैं वो भी निकल जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका यूज़ करें, आप देखेंगे आपकी स्किन पर सारे दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन लाइटन होगी, ब्राइटन होगी, ग्लोइंग होगी। इसके अलावा गाइज आप इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार भी लगा सकते हो, जैसा आपकी ज़रूरत हो वैसा आप यूज़ करें। इस तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरे हेयर केयर की वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।